इंस्पेक्टर विजय ने जेलर के घर में यानी कि उसके आंखों के सामने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। पाशा कहो तो सूरज की जमानत की कोशिश की जाए। नहीं तेजू, ये सूरज की जमानत का वक्त नहीं, जेलर के दबे हुए जख्म पर नमक छिड़कने का वक्त है। मेरे सीने में 15 साल से भड़कती हुई ज्वालामुखी के बुझने का वक्त है। सूरज के खिलाफ पुलिस को इतने सबूत दे दो कि सोते जागते कानून उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। जेके सेठ की तिजोरी किसने खोली थी? अपन को नहीं मालूम। अब भी वक्त है, बोल बोल। जब ये होश में आए मुझे बता देना। सूरज से मिलने आई हो? मिल सकती हूँ? मैं चाहूं तो ना मिलने दूं। आरती, मुझे मुजरिम से ज्यादा उससे मिलने वालों पर तरस आता है। जानती हो क्यों? क्योंकि जुर्म करता है मुजरिम और सजा मिलती है तुम जैसे मिलने वालों। बेगुनाह होते हुए भी उनके माथे पे ये लिख दिया जाता है कि ये चोर की मां है, ये चोर की बहन है, ये चोर की मैं यहां रिश्तों पर लेक्चर सुनने नहीं सूरज से मिलने आई हूं। मिल सकती हूं या नहीं? हवलदार जी साहब, इन्हें सूरज से मिलाओ। आइए। सूरज, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारे दिल में जो गलतफहमी बैठ गई है उसे दूर करने के लिए। जो दिल से दूर हो गया हो वो दिल की गलतफहमी क्या दूर करेगा? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सूरज के प्यार की बहुत कम कीमत लगाई आपने मेम साहब। अपने दोस्त इंस्पेक्टर विजय के साथ मिलकर इतना बड़ा नाटक खेलने की बजाय अगर अपन को एक बार भी बोल देता ना अपना जुर्म कबूल कर लो तो कसम है आपके झूठे प्यार की कभी इनकार नहीं करता। सूरज, लेकिन अब आप और आपका इंस्पेक्टर तो क्या संसार का कोई भी कानून ये साबित नहीं कर सकता कि जेके सेठ की तिजोरी अपन ने तोड़ी है। कोई साबित नहीं कर सकता मैम साहब, कोई भी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना साबित करने आई हूँ सूरज कि मैं निर्दोष हूँ। कभी मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास करके तुम्हें माफ कर दिया था, आज तुम मेरा विश्वास कर लो। मैंने सिर्फ एक बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए तुमसे तिजोरी खोलने को कहा था। मेरा यकीन करो सूरज, इस नाटक में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। गौरी, आशा बेटी, अरे ये अंधेरा कैसा? कौन हो तुम? आशा, याददाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी जेलर। परसों बात मिले फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। तुझे तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा पाशा, क्योंकि भगवान के सामने मुझे तेरा गिरेबान पकड़ना है।
वो तो मरने के बाद होगा जेलर। फिलहाल इस दुनिया की सोचो, जिसमें कल सूरज की पहली किरण के साथ साथ तुम एक जिंदा लाश बनकर जियोगे। कल का सूरज तेरी कैद का पैगाम लेकर निकलेगा बादशाह। इस घर से तू सीधा जेल जाएगा और दोबारा वहां से कभी भाग नहीं सकेगा, समझे? बेटी जान से जाएगी। पत्तियां जानते हो इन दोनों को मैंने जिंदा क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आज मैं यहां खून बहाने नहीं, खून जलाने आया हूं तुम्हारा। चाहते क्या हो तुम? याद है एक दिन तुमने मुझे बेइज्जती करके इस घर से बाहर निकाला था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी इज्जत, अपने खानदान और अपने खून पर गुरूर था। लेकिन आज आज मैं तुम्हारे उस गुरूर को चकता चूर करने आया हूं। अपने बेटे अशोक से नहीं मिलोगी जेलर। अशोक, तुम जानते हो वो कहां है? सिर्फ जानता ही नहीं, उसे मैंने अपने हाथों से पाला है। जिस पाप की दुनिया का मैं बादशाह हूं, उसे मैंने वहां का शहजादा बना दिया। चोरी करना उसका पेशा है। पुलिस के साथ आंख में चोली खेलना उसकी तालीम, और जेल के पथरीली बिस्तर पर सोना उसका शौक। हराम साले, याद करो वो दिन जब तूने मुझे इसी घर में कहा था कि मेरा दादा डाकू था, मेरा बाप वेश्यालय चलाता था और मेरे खून में पाप का रंग है। आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरा बेटा, जिसके रगों में तेरा खानदानी खून बह रहा है, मैंने अपने पाप के रंग में रंग दिया है। हाँ, पाप के रंग में रंग दिया है। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, मैं ये साबित करना चाहता था कि खून कुछ नहीं होता, असली चीज होता माहौल, परवरिश। तुम्हारा अच्छा खून मेरे माहौल में पलकर आज एक नामी चोर है, सजा याफ्ता मुजरिम है। जानते हो पाप के दुनिया में हम उसे किस नाम से पुकारते हैं? सूरज के नाम से। अशोक, घबरा नहीं जेलर, बहुत जल्द बाप बेटे का मिलन होगा। तुम्हारी जेल में तुम्हारा बेटा लंबी सजा काटने के लिए आ रहा है। बेटा बाप की आंखों के सामने रोज जेल में पत्थर तोड़ेगा और बाप उसे देख देख कर खून के आंसू बहाएगा। ये होगा पाशा का इंतकाम। ये तुम्हारा इंतकाम नहीं है पाशा, तुम्हारे गंदे खून की गंदी सोच है। अच्छे खून को गंदा बनाने के लिए तुमने अपने माहौल का लिबास उस पर डाल दिया, लेकिन खून की अच्छाई को नहीं दबा सके। तुमने अशोक को चोरी सिखाई, लेकिन उसने उसी चोरी के पैसों से हजारों गरीबों का घर बसाया। ये अच्छे खून की निशानी है पाशा। मारने के लिए तुमने उसे हथियार दिए, लेकिन उसने एक गरीब बच्ची की जान बचाने के लिए तिजोरी खोलकर खुद को गिरफ्तार करवा दिया। ये अच्छे खून की निशानी है पाशा। तुमने उसे नफरत और बुराई सिखाई, लेकिन उसने आरती के प्यार की वजह से सब बुराइयों से तौबा कर ली। ये उसका अच्छा खून है पाशा, जो तेरे साथ गंदे कीचड़ में रहकर भी कमल के फूल की तरह पाक और साफ उभरता रहा। कमल का फूल है असले। अगर याद कर, बरसों पहले मैंने तुझे समझाया था पाशा, गंदा खून अगर गंदे माहौल में रहे तो उसे कोई भी नहीं सुधार सकता, इसकी के जिंदा मिसाल तू है। और अगर अच्छा खून गंदे माहौल में पले तो उसकी अच्छाई खत्म नहीं हो जाती, जिसकी मिसाल है मेरा बेटा अशोक। लेकिन गंदा खून अगर अच्छे माहौल में परवरिश पाए तो वो अच्छा इंसान बन सकता है, जिसकी मिसाल है पुलिस इंस्पेक्टर विजय, तुम्हारा अपना बेटा। मेरा बेटा? हाँ पाशा, तुम्हारा बेटा।
मेरी बदनसीब बहन के प्यार की निशानी। अगर तुम सच कह रहे हो और उस बच्चे के रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है तो एक दिन वो मेरे ही काम आएगा। आज तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकता। छोड़ दो मुझे। मैं इसका खून पी जाऊंगा। आशा, आशा, ए आशा, अंकल, दैमा, क्या हुआ दैमा? ये सब किसने किया दैमा? तुम्हारे पिता ने। मेरे पिता ने? हाँ, आशा तुम्हारा पिता है और सूरज हमारा खोया हुआ शोक। सूरज क्या है? तुम्हारे लिए कोई आदमी चिट्ठी दे गया। कौन था? बोलता था तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। रिश्तेदार? सूरज तुम्हारी प्रेमिका आरती हमारे कब्जे में है। जेके सेठ की तिजोरी का माल लेकर एक घंटे के अंदर पुराने खंडर में पहुंच जाओ। होशियारी की तो छोकरिये का टेडुआ दुबई के शहर के चौराहे पे फेंक दे। तुम्हार बाप औला, ये क्या हुआ? साहब सूरज इलाकों का ताला खोल के भाग गया। क्या? हाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए एक आदमी चिट्ठी दे गया था। सूरज भैया आपके बेटे? हाँ प्रीतम, वो अशोक है, मेरा सगा बेटा। बादशाह ने मुझसे बदला लेने के लिए उसे चोर बना दिया और अब सुना है कि वो जेल से भी भाग गया। वो जरूर पाशा के पास गया होगा। इससे पहले कि पाशा को चाल चले मैं अशोक को सच्चाई बता देना चाहता हूँ। तुम जानते हो वो कहाँ मिलेगा? उसको कहाँ भी था बाबा? कहाँ है? मुझे कहीं बाहर गए हुए। बादशाह साहब का हुक्म है कि उनकी इजाजत के बिना कोई तहखाने में न जाए। हुक्म दूसरों के लिए होगा, अपन के लिए नहीं। हुक्म सबके लिए है। बकवास बंद करो और हट जाओ आगे से। अपन लॉकअप से भागा है बाबा, क्योंकि उन लोगों ने वहां आरती को बांध के रखा है और मेरी इजाजत के बगैर तहखाने में जाने की हिम्मत कैसे की? अपन माफी चाहता है बाबा, लेकिन इस वक्त एक एक मिनट अपन के लिए बहुत कीमती है। अगर अपन ये पैसा लेके वक्त पर नहीं पहुंचेगा ना तो बीसना आरती को जान से मार डालेगा बाबा। और अगर ये पैसे लेकर तुम यहाँ से जाओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। बाप की जिस दुनिया के हम खिलाड़ी हैं वहां दौलत लूट कर लाई जाती है, लुटेरों पर लुटाई नहीं जाती। बाबा अपन आरती से बहुत प्यार करता है, इस वक्त तेरे बेटे की मोहब्बत का सवाल है पापा। कौन बेटा और किसका बेटा? हमने सोचा था इस कड़वी सच्चाई का राज तेरा सगा बाप खोलेगा,
मगर लगता है ये नेक काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो बाबा? मेरा और तेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, बदले का रिश्ता, नफरत का रिश्ता और इंतकाम का रिश्ता। अपन जानता है बाबा, तुम पैसे से बहुत प्यार करता है, इस पैसे के लिए तुम अपन से ऐसी बातें कर रहा है। मगर बाबा, आरती की जिंदगी इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। अपन चलता है। हेलो, मेरी दौलत लेकर तुम यहां से नहीं जा सकते। बाबा, तुम्हारा हुक्म मानना आज तक अपन की जिंदगी रही है, पर आज अपन को मत रोक, वरना वरना ये नियम टूट जाएगा। आशा को धमकी देता है, पकड़ लो इस कुत्ते को। Shh.